तो चलिए फ्रेंड्स, बॉल पिज्जा बनाना शुरू करते हैं विद इन 2 मिनट्स। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑल पर्पस फ्लोर, ये हम लेंगे 4 टेबल स्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये बेकिंग पाउडर है जो केक वगैरह बनाने में यूज होता है, ये हम करेंगे 1/8 टीस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, तो ये 1/8 टीस्पून का हमने हाफ लिया है। अब हम ऐड करेंगे सॉल्ट, ये भी हमने 1/8 का हाफ लिया है। अब हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून ल्यूक वार्म मिल्क। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको बिल्कुल लम्स पे बनाना है अच्छी तरह से, इस तरह से फेंट के। तो ये हमारा पिज्जा का बैटर रेडी हो गया। अब इसको इवनली इसमें इस तरह से फैला देंगे। अब हम इसमें ऊपर से ऐड करेंगे पिज्जा सॉस। ये भी हमने 1 टेबल स्पून ली है, अगर आपको कम लगती है तो आप और भी डाल सकते हैं। अब इस पे ऐड करेंगे टॉपिंग्स, आप छोटी छोटी सी मिनी टॉपिंग्स बना लें, ऑनियन, कैप्सिकम, टमाटोज, ऑलिव, मशरूम, जो भी आप लाइक करें। और इसके ऊपर से लगाएं इस तरह से। ये मैं ऑनियंस ले रही हूँ, टमाटोज ले रही हूँ। थोड़े से आप रेड बेल पेपर ले लें, छोटे वाले आप जो मिर्ची होती है उनमें से भी ले सकते हैं, ऑलिव्स भी आप ले सकते हैं, स्मॉल ग्रीन चिली भी ले सकते हैं। अब इस पे आप ऐड कर दीजिए चीज़। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर रही हूँ चीज़ स्लाइस। तो मैंने ये चीज़ स्लाइस लिया है, इसके थोड़े थोड़े पीसेस करके इस तरह से आप लगा दें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे माइक्रोवेव करते हैं। माइक्रोवेव को स्टार्ट करेंगे, ये है माइक्रोवेव मोड फुल पावर 900 वॉट, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। टाइमर हम इसमें 2 मिनट्स का लगाएंगे। और अब हम इसमें बॉल को रख देंगे। और माइक्रोवेव को स्टार्ट कर देंगे।
तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा माइक्रोवेव स्टोप हो गया है और हमारा मग पिज्जा भी बनके तैयार है। इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा मग पिज्जा बनके तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें जो है पिज्जा सॉस के ऊपर टॉपिंग्स लगाई थी। अगर आप चाहें तो चीज़ के साथ मिक्स करके भी, जब आप चीज़ को स्प्रेड करते हैं, श्रेडेड करके डालते हैं, तो उसके साथ भी मिक्स करके आप डाल सकते हैं टॉपिंग्स को। तो इसको अब हल्का सा ठंडा होने दीजिए, ओनली फॉर 30 सेकेंड्स। इसके बाद मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमारा मग पिज्ज़ा बनके तैयार हुआ है, एकदम यम्मी और टेस्टी खाने में, और बहुत ही ये जल्दी बन जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसको मग पिज्ज़ा को आप जो है बॉल में भी बना सकते हैं। बॉल माइक्रोवेव सेफ होनी चाहिए, और अगर आप मग में बनाना चाहते हैं तो माइक्रोवेव सेफ मग में भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप 2 मिनट्स मग पिज्ज़ा बनाइए और खाइए। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।